इस प्रकार अव्यक्त होने पर भी आराधना करने पर उपासक परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं। ये बात वेद और स्मृति दोनों को के ही कथन से सिद्ध होती है। व्याख्या श्रुतियों और स्मृतियों में यहाँ जहाँ सगुण और निर्गुण परमेश्वर को इंद्रियों के द्वारा देखने में न आने वाले बताया है, वही ये भी कहा है कि ये परमात्मा नाम जप स्मरण ध्यान आदि आराधना द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला भी है। तथा श्रीमद् भागवत गीता इस तरह के अनेक प्रमाण हैं। वेद और स्मृतियों के इन वचनों में उस सगुण निर्गुण रूप ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा को आराधना के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला बताया गया है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्व से जानना जा सकता है, मेरा दर्शन हो सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर अवश्य है और वह सगुण तथा निर्गुण दोनों ही लक्षणों वाले हैं। संबंध उस परमेश्वर का स्वरूप आराधना से जानने में आता है, अन्यथा नहीं। इस कथन से तो ये सिद्ध होता है कि वास्तव में परमात्मा निर्विशेष ही है, केवल भक्ति के लिए भक्त के लिए आराधना काल में सगुण होते हैं, ऐसी शंका होने पर कहते हैं। अग्नि आदि के प्रकाश आदि गुणों की भांति ही परमात्मा में भी भेद नहीं है। प्रकाश भी कर्म में अभ्यास करने से ही प्रकट होता है। जिस व्याख्या जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि तत्व प्रकाश और उष्णता आदि गुणों से युक्त हैं, उसका वह रूप जब प्रकट हो उस अवस्था में भी वे उन स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं, और प्रकट न हो छिपा हो उस समय भी वे उन गुणों से युक्त हैं। व्यक्त और अव्यक्त स्थिति में उन स्वाभाविक गुणों से युक्त होने में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार वह परमेश्वर उपासना द्वारा प्रत्यक्ष होने के समय जिस प्रकार समस्त कल्याणमय विशुद्ध दिव्य गुणों से संपन्न है, वैसे ही अप्रकट अवस्था में भी है, ऐसा समझना चाहिए। अग्नि आदि तत्वों को प्रकट करने के लिए जो साधन बताए गए हैं, उसका अभ्यास करने पर ही वे अनेक अपने गुणों से प्रकट होते हैं। उसी प्रकार आराधना करने पर अप्रकट परमेश्वर का प्रकट हो जाना उचित ही है। संबंध अभय लिंग वाले प्रकरण को समाप्त करते हुए अंत में कहते हैं, इस ऊपर बताए हुए कारणों से ये सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म अनंत दिव्य कल्याणमय गुण समुदाय से संपन्न है, क्योंकि वैसे ही लक्षण उपलब्ध होते हैं। व्याख्या पूर्वोक्त कारणों से यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर सत्य संकल्पता सर्वज्ञता सर्वशक्तिमता सौहार्द पति पतित पावनता आनंद विज्ञान संगतता और निर्विकारिता आदि असंख्य कल्याणमय सगुण कल्याणमय गुण समुदाय से संपन्न और निर्विशेष समस्त गुणों से रहित भी है, क्योंकि श्रुति में वैसा ही लक्षण मिलता है। संबंध अब परम पुरुष और उसकी प्रकृति भिन्न है या अभिन्न, इस विषय पर विचार करने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले ये बात बताई जाती है कि शक्ति और शक्तिमान में विशेष प्रकार अभेद है। दोनों प्रकार का कथन होने से सर्प के कुंडलाकारत्व की भांति ही उसका भाव समझना चाहिए। व्याख्या जिस प्रकार सर्प कभी संकुचित हो कुंडलाकार हो जाता है और कभी अपनी असाधारण अवस्था में रहता है, किंतु दोनों अवस्थाओं में वह सर्प एक ही है। साधारण अवस्था में रहना उसका श्वास कारण भाव है, उस समय उसकी कुंडलादि भाव में प्रकट होने की शक्ति अप्रकट है, तथापि वह उसमें विद्यमान है और उससे अभिन्न है। ये एवं कुंडलादि आकारों में स्थित होना उसका कार्य भाव है, यही उसकी पूर्वोक्त अप्रगट शक्ति का प्रकट होना है। उसी प्रकार वह परब्रह्म जब कारण अवस्था में रहता है, उस समय उसकी अपरा तथा परा प्रकृति दो रूप दोनों शक्तियां सृष्टि के पूर्व उसमें अभिन्न रूप से विद्यमान रहती हुई भी अप्रकट रहती है, और वही जब कार्य रूप में स्थित होता है तब उसकी शक्ति दोनों शक्तियां भी भिन्न भिन्न नाम रूपों में प्रकट हो जाती है। अतः श्रुति में जो ब्रह्म को निराकार बताया गया है वह उसकी कारणावस्था को लेकर है, और जो उसे अपनी शक्तियों से युक्त एवं साकार बताया है वह उसकी कार्यावस्था को लेकर है। इस प्रकार श्रुति में उसके कारण और कार्य दोनों का स्वरूप का वर्णन हुआ है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मा में उसकी शक्ति सदा ही अभिन्न रूप से विद्यमान रहती है। संबंध प्रकरण से ही उसी बात को सिद्ध करते हैं, अथवा प्रकाश और उसके आश्रय की भांति उसका अभेद है, क्योंकि तेज की दृष्टि से दोनों एक ही है। व्याख्या
जिस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य वास्तव में तेज तत्व से नाते तेज तत्व के नाते अभिन्न है, तो भी दोनों को पृथक पृथक कहा जाता है। इस प्रकार परमेश्वर और उसकी शक्ति विशेष वास्तव में अभिन्न होने पर भी उसका अलग अलग वर्णन किया जाता है। भाव यह है कि प्रकाश और सूर्य की भांति परमात्मा और उसकी प्रकृति में परस्पर भेद नहीं है, तो भी उसमें भेद माना जा सकता है। संबंध पुनः उसी बात को समझाने के लिए कहते हैं, अथवा जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है वैसे ही दोनों का अभेद समझ लेना चाहिए। व्याख्या अथवा पहले सूत्र में जिस प्रकार परमात्मा का अपने अंशभूत जीव समुदाय से अभेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यह शक्ति और शक्तिमान का अभेद समझ लेना चाहिए। संबंध शक्ति और शक्तिमान के अभेद का मुख्य कारण बताते हैं, दूसरे का प्रतिषेध होने से भी अभेद ही सिद्ध होता है। व्याख्या श्रुति में कहा है कि ये जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, पर दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। इस कथन में अन्य का प्रतिषेध होने के कारण भी यही समझा जाता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले प्रलय काल में उस परब्रह्म परमेश्वर की दोनों प्रकृतियाँ उसमें विलीन रहती है, अतः उसमें किसी प्रकार के भेद की प्रतीति नहीं होती, इसलिए उसका अभेद बताया गया है। संबंध यह था कि उस परब्रह्म परमात्मा का अपनी दोनों प्रकृतियों से अभेद किस प्रकार है, उसका स्पष्टीकरण किया गया। अब उन दोनों से उसकी विलक्षणता और श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं।